दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं ये एप्लीकेशन का नाम है SBI एनीवेयर। दोस्तों इस एप्लीकेशन को अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहें तो सिंपली आप अपने एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पे SBI एनीवेयर लिखेंगे, आपको मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का काम है ये कि आप अगर मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहें, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आप मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के जरिए से आप कर सकते हैं। हमने पहले से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल में और आप कर लेंगे। चलिए मैं आपको आगे दिखाते हैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको तीन ऑप्शन जो इसमें है, ये तीन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है इसमें एग्जिस्टिंग एनीवेयर INB यूजर। इसका मतलब ये होता है अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पहले से यूज कर चुके हैं और आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड पहले से मौजूद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। और दूसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्रीडम यूजर। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए पहले जो है एप्लीकेशन था फ्रीडम एप्लीकेशन था फ्रीडम के नाम से और अभी आया है जो है SBI एनीवेयर के नाम से, तो आप फ्रीडम यूजर पहले से हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि तीसरे नंबर पे न्यू यूजर का मतलब ये है कि मान के चलिए पहले कभी भी आप जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं किए हैं और ना ही कोई मोबाइल बैंकिंग आप यूज किए हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है और आपको ATM कार्ड मिल चुका है, और अगर आपको ATM कार्ड मिल चुका है तो आप घर बैठे जो है आप मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा और आप मोबाइल बैंकिंग यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कैसे आपको एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ पे आपका CIF नंबर मांगा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड मांगा जा रहा है, चौथे नंबर में आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद पांचवें नंबर में आपको मोबाइल नंबर देना है और छठे नंबर पे आपको जो है ट्रांजेक्शन के राइट सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन लिमिट आप क्या रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन लिमिट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान के चलिए हमें यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन करना है तो फुल ट्रांजेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे में जो है यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है, ठीक है, कैप्चर कोड दिया हुआ है, ये आपको जो है कोड आपको यहाँ पे डाल करके उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डाल देने के बाद उसके बाद हमें CIF नंबर डालना है जो कि हमारे पासबुक में है, वो CIF नंबर यहाँ पे डालेंगे हम। CIF नंबर डालने के बाद दूसरे नंबर पर जब CIF नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे, तीसरे नंबर पे हमें यहाँ पे जो है डालना है ब्रांच कोड। ठीक है, तो ब्रांच कोड हमारे पासबुक में होगा, वो ब्रांच कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमें कंट्री सिलेक्ट करना है, हमारा कंट्री कौन सा है, जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मुझे यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना होगा, चलिए हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमारे खाते में दर्ज है वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है, चलिए मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन के राइट सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमें जो ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चलिए हम यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन करेंगे, फुल ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे अंत में यहाँ पे जो कुछ टैक्स दिया हुआ है ये टैक्स हमें यहाँ पे फिल करना होगा, ये टैक्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP भेज देगा और वो पासवर्ड हमें यहाँ पे अभी डालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो वन टाइम पासवर्ड जो हमारे मोबाइल में SMS द्वारा आया हुआ है वो पासवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे, और उस पासवर्ड को डाल के जैसे हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रांच से जो है मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं या तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको खुद करना है तो सबसे ऊपर वाले पे चेक लगा हुआ है उसी पे चेक लगे रहने देंगे आप, उसके बाद यहाँ पे जो है कंफर्म करेंगे। ठीक है, और जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे ATM कार्ड का जो है आपका डिटेल मांगा जाएगा, आपके पास जो ATM कार्ड है ATM कार्ड का जो भी डिटेल है वो सारा का सारा जो है कार्ड नंबर जो है एक्सपायरी डेट जो, ठीक है, वो आपको सारा का सारा यहाँ पे आपको डालना है, ATM पिन आपको डालना है, तो कार्ड होल्डर का नेम डालना है आपको, कार्ड किसके नाम से है, बैंक अकाउंट जो है किसके नाम से है, तो कार्ड होल्डर का जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है, सही नाम जो उसका पासबुक में लिखा हुआ है वही नाम डालना है आपको, कार्ड का सीरियल नंबर डालना है आपको यहाँ पर, और एक्सपायरी डेट डालना है, मंथ डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करना है। तो चलिए दोस्तों ये सारा का सारा डिटेल जो हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट करके आगे दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों कार्ड का सारा डिटेल डालने के बाद जब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एक नया लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आपको यहाँ पे आपको एक नया लॉगिन पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करना है अभी।
तो दोस्तों यहाँ पे जो ये टेम्प्रोरी लॉगिन पासवर्ड आपको बनाना पड़ रहा है अभी, तो ये पासवर्ड अभी कुछ देर के लिए आप बना रहे हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा फिर से पासवर्ड बनाना होगा। तो ये टेम्प्रोरी लॉगिन पासवर्ड है, यहाँ पे आप 8 डिजिट का पासवर्ड बना के डालें ऊपर में, और जो 8 डिजिट का पासवर्ड ऊपर में बना के डालेंगे वही सेम जो है 8 डिजिट का पासवर्ड नीचे में बना करके डाल करके आप जो है सबमिट कर दें यहाँ पे। और जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज देगा अभी यहाँ पे कि आपका जो मोबाइल बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली आपका रजिस्टर हो चुका है, और आपको एक टेम्प्रोरी यूजर आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको जो एक टेम्प्रोरी यूजर आईडी आपके मोबाइल पर जो है SMS द्वारा आपको भेज दिया गया है, उस यूजर आईडी से और जो अभी आपने यहाँ पे पासवर्ड जो क्रिएट किया अभी लॉगिन पासवर्ड, इस पासवर्ड से और इन दोनों से यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड से आप जो है अभी आप जो है दोबारा इस मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन में जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस विंडो को जो यहाँ पे क्लोज कर देना है, और जैसे आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद दोबारा फिर से आप इस SBI एनीवेयर एप्लीकेशन में आप जो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग INB यूजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो यूजर आईडी आपको टेम्प्रोरी यूजर आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेजा है SMS के द्वारा, उस यूजर आईडी को डालना है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था अभी लॉगिन पासवर्ड, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे नीचे में डालना है, ठीक है। तो यूजर आईडी ऊपर में डालना है, नीचे में आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है, और डाल करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे उसके बाद ये आपको जो है आपका जो यूजर आईडी था वो टेम्प्रोरी यूजर आईडी उसे चेंज करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है, और जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ये आपको कह रहा है कि आप एक नया यूजर आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लें, यानी जो आपको SMS द्वारा यूजर आईडी आया था वो अब कोई काम नहीं आएगा, आपको यहाँ पे एक नया यूजर आईडी आपको बनाना है। और ये यूजर आईडी जो आप बनाएंगे इसमें आपको पहला कैपिटल लेटर, उसके बाद जो है स्मॉल, उसके बाद कुछ स्पेशल नंबर मिला करके आपको टोटल 8 से लेकर 10 डिजिट तक आपको बनाना है। और ये यूजर आईडी जो आप बनाएंगे तो ये भविष्य में कभी भी जो है ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों नया यूजर आईडी डाल करके आप यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे आप यहाँ पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे जो है यूजर आईडी आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे जो है जैसे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा। जो पासवर्ड आपने जो लॉगिन पासवर्ड टेम्प्रोरी लॉगिन पासवर्ड आपने जो बनाया था वो अब कोई काम नहीं आने वाला है आपको यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे नया पासवर्ड फिर से बनाना है। तो दोस्तों पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, उसके बाद स्मॉल में, उसके बाद कुछ स्पेशल नंबर मिला करके आपको जैसे डॉलर का निशान, एंड का निशान, कुछ स्पेशल नंबर मिला करके आप टोटल 8 से लेकर 10 डिजिट तक आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है। जैसे मान के चलिए आप कभी अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए या आप अपना यूजर आईडी भूल गए, ऐसे में आपको रिसेट करना है तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पर आपका 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड फिर से आपको यहाँ पे डालना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, उसके बाद स्मॉल में, उसके बाद जो है आपको कुछ स्पेशल नंबर मिला करके, और जो प्रोफाइल पासवर्ड आप यहाँ पे बना रहे हैं वो आप जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लॉगिन पासवर्ड बनाया, तो उस लॉगिन पासवर्ड से ये पासवर्ड जो है मैच नहीं करनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोफाइल पासवर्ड आपका 10 डिजिट का या 8 डिजिट का आप बना रहे हैं, ठीक है, और लॉगिन पासवर्ड, दोनों में अंतर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड कौन है मेरा, तो उसका मुझे यहाँ पे आंसर देना है, उसका मुझे यहाँ पे जवाब देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया बेस्ट फ्रेंड का, तो बेस्ट फ्रेंड हमारा जो यहाँ पे जो भी है तो उसका नाम यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों मेरा बेस्ट फ्रेंड मंजर था, तो मैंने मंजर का नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने की बारी है, कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, कंट्री हमारा इंडिया है, चलिए हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कंट्री हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और जो मोबाइल नंबर हमारे खाते में रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है, चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये अलाउ करने के लिए आपको कहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए यहाँ पे अलाउ कर देते हैं हम। और जैसे यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमारे मोबाइल पर एक पासवर्ड भेजेगा, उस पासवर्ड को हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। और जैसे उस पासवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे
उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल बैंकिंग में जो है लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा, आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।